रमो अर्हंतारम रमो सिद्धारम रमो आर्यारम रमो अध्यायारम नमो लोये सवसाहुरम शुद्धात्मान मनेकांतम साधमत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भये सिद्ध परमात्मा वन्नु मन वचकाय समय सार जिंदाज हैं स्यादवाद जिन वेन मुद्रा जिन निर्गंथता नमो करें सबसे। नए विविक्षाओं को बड़ी प्रकार से समझना। अभी ध्यान की चर्चा चल रही थी, कुछ समझ में आया। आर ध्यान दुख रूप है और रौद्र ध्यान के साथ में आनंद शब्द लगा है, हिंसानंदी मृषानंदी चौर्यानंदी परिग्रहानंदी आनंद शब्द लगा हुआ है। जगत के मोही प्राणी रौद्र ध्यान आनंद रूप मान रहे हैं, हिंसा में आनंद मानते हैं। हिंसानंदी रौद्र ध्यान की परिभाषा करोगे? हिंसा में आनंद मानकर मगन होना है ना, वो मारा मजा आ गया, कहां से आ गया पागल। जिसको आप सुख मान रहे हैं, सुख मान करके मग्न होते हैं, वो सब आर ध्यान का रूप है, रौद्र ध्यान का। जब दुखी होते हैं तब आर ध्यान होता है और सुख मान करके मग्न रहते हैं तो रौद्र ध्यान होता है। टोटमल जी ने क्या लिखा, प्रमाद से सुख माने वहां पाप ही होता है। अपना घात करते हुए दूसरों का घात करते हुए आनंद मानता है, देखो मजा कहां से आ गया मजा, तुझे पता होना चाहिए इस मजा में कितनी सजा है। कितना हिंसानंदी रौद्र ध्यान चलता है, दूसरों को परेशान करने में आनंद मानता है, अवज्ञा करने में आनंद मानता है गुरुजनों को, सिनेमा देख रहा आनंद मजा आ गया, कोई वैसी उल्टी सीधी पुस्तक पढ़ी मजा आ गया, जरा भीड़ भाड़ में पड़ा मजा आ गया, जरा जींस पींस पहन लिए तो मजा आ गया। देखो भाई ये जींस इस कम से कम छात्रावास में से निकाल देना चाहिए, कम से कम इस छात्रावास में से, ये बच्चों को जाने क्या होगा, बिना पहने मजा नहीं आता उनको। बेटा अपनी संस्कृति की चीज नहीं है, धोने में परेशानी, रखने में पहनने में परेशानी, झुकने में परेशानी, बीमारी का कारण तो है ही, मुफत के नहीं आ रहे। सादा पेंट भी आते हैं बाजार में, पहनते पहनते फिर धीरे धीरे पता नहीं पड़ता हम क्या पहन रहे,
मतलब ये है, अपना एक दृष्टांत आया, जैसे कोई वैश्या शक्त पुरुष अपना तान मान धन इज्जत धर्म कर्म सब नाश करता हुआ आनंद मानता, ऐसे ये जीव अपने ज्ञान का घात करते हुए, सुख का घात करते हुए, प्रभुता का घात करते हुए, पुण्य का घात करते हुए विषयों में आनंद मानता है। सुख प्रहारक हैं, सुखदायक नहीं है। प्रहारक है झूठ बोलने में आनंद मानता है। देखो कैसा धोखा दिया, अरे किसको दिया ये पता ही नहीं। चोरी करने में आनंद मानता है, चोरी में कितनी एक काम चोरी है, काम से बचने में आनंद मानता है, जिसने कर दिया अपन बच गए, अरे आनंद मानने की बात नहीं है। कम से कम काम करके अधिक से अधिक लेने की जो प्रवृत्ति है वो चोरी है, बताई थी आपको। बचने की कोशिश मत करो धर्म कार्यों में, बचाने की कोशिश मत करो, यहां से समय बचाओगे तो कहां लगाओगे। और अंत में परिग्रह में आनंद मानना या विषयों में आनंद मानना, मेरा कितना सुंदर शरीर है, मेरा कितना, तुम्हारी बाल बोध की कोई लाइन याद है, मेरा कितना सुंदर नाम है हीरा लाल, मेरा कितना सुंदर नाम है, अरे बेटा हीरा सुंदर है तो जा। मेरा कितना सुंदर कमरा है, मेरी कितनी सुंदर, अरे ठीक है भाई। इन सारी जगत की सुंदरता में मगन रहते हुए भी तो जीव अपने एकत्व के सौंदर्य को नहीं निहारता, मेरा कितना सुंदर स्वरूप है। सुंदर स्वरूप और सुंदर परिणाम, बस दो ही काम बात। एकत्व निश्चय गत समय और एकत्व निश्चय गत समय, एक एकत्व निश्चय को प्राप्त स्वरूप, अनेक धर्मात्मक एक, अनेकाकार एक ज्ञान, अनंत धर्मात्मक एक वस्तु, एक एक तो त्रैकालिक हुआ और एक एकत्व, उस एकत्व को गत माने प्राप्त हुआ, उसमें लीन हुआ परिणाम, वो सुंदर है। अपने स्वरूप में लीन परिणाम सुंदर है। सुंदर दृष्टि कौन सी है, जो दृष्टि अपनी, दृष्टि अपनी ओर हो, अपनी दृष्टि अपनी ओर हो, इधर उधर देखता है वो कोई सुंदर दृष्टि नहीं है। सुंदर दृष्टि तो वह है अपनी दृष्टि अपनी, भगवंतों की दृष्टि है सुंदर। पढ़ा है तुमने पद्म पुराण, सीता जी का स्वयंवर हो रहा, रामचंद्र जी बैठे हैं, सब लोग इधर उधर देख रहे हैं, उस कन्या की ओर देख रहे हैं, सीता की ओर, उस प्रसंग में देख रहे, और रामचंद्र जी अपनी ओर देख रहे, वरण करने लायक कौन है, है? इस संबंध में कुछ बात कही थी, तीन भाव बताए थे, इधर उधर देखता है वह पापी है, भगवंतों की ओर देखता है वह भक्त है, अपनी ओर देखता है वह भगवान है। इधर उधर देखना पाप है, भगवान की ओर देखना, देव की ओर, गुरु की ओर, देखो
तो पुण्य होगा वहां, और अपनी ओर देखेगा तो धर्म होगा। भगवान के सामने भी खड़े हो गए भक्ति करने के लिए, इधर उधर देख रहे, पाप होता है। इधर उधर का मतलब ये आंखें इधर उधर जाएं ऐसा मत समझ लेना कि हमारा उपयोग शरीर की ओर जाता है, कहीं रोग की ओर जाता है, कहीं किसी की ओर जाता है, हैं? अरे रे प्रभु, इन भगवंतों के सामने तो भूल जाना चाहिए। कैसी भक्ति की भावना आप पढ़ते हो, मैं जीवन दुख सब भूल गया, यह पावन प्रतिमा देख प्रभु। दृष्टांत याद है तुम्हें, जैसे बच्चे का मुख देखते हुए वह स्त्री मां प्रसूति की वेदना को भूल जाती है, कितनी वेदना। खेल खिलौना नहीं है, लेकिन उस पुत्र का मुख देखते सब भूल जाते। किसान खेती में कितनी मेहनत करता है, जब वो ढेर लगता है सब भूल जाता है। किसी कार्य की सफलता हो जाए मेहनत का खेत भूल जाते हैं, मेहनत से वही वही काम हो गया, काम होने की खुशी है। अपने इष्ट को देख करके दुख भूल जाता है, ये भी एक भाषा, अपने इष्ट को देख करके दुख दुगना हो जाता है, आशा बन जाती है कि अब हमारा दुख सुनने वाला कोई है, दुख दूर करने वाला है, वो भी एक विभिक्षा है। लेकिन यहां कहते अपने इष्ट को देख करके दुख भूल जाते, तो ऐसे अपने ज्ञायक भाव को देख करके वो भूल जाता है, वो परमार्थ है। इन भगवंतों के सामने आते सारे दुख भूल जाना चाहिए, कहां का दुख। मैं जीवन दुख सब भूल गया, रोटी नहीं खाई के बीमार हूं, के ये आज ये नहीं मिला, के ये हुआ, के इष्ट का वियोग हुआ, अनिष्ट का, सब कुछ भूल जा। विरम किम परिणा कार्य कोलाहली, मतलब ये है जिसे आप आनंद मानते हैं वह दुख रूप है, संसार का कारण अर्थात दुख का कारण है। दुख का कारण क्यों, के दुख रूप है इसलिए दुख का कारण। दृष्टांत बोलो, मिश्री मिठास का कारण क्यों, मिठासमय है इसलिए मिठास का कारण। नमक मिठास का कारण क्यों नहीं, नमक मिठासमय है ही नहीं, जो स्वयं मीठा नहीं है वह मीठा का कारण कैसे होगा। मिठासमय मिठी मिठास का कारण होती है, आनंदमय आत्मा आनंद का कारण होता है। आनंदमय एक देश आनंदमय वितराग विज्ञान संबर तत्व, बढ़ता हुआ वितराग विज्ञान निर्जरा तत्व वितरागता, वह पूर्ण वितरागता का मोक्ष का कारण होती है। संबर निर्जरा कारण और मोक्ष का, तो ये आर्त रौद्र ध्यान अनादिकाल से बिना सिखाए होते। इनमें पुरुषार्थ नहीं, परंतु धर्म ध्यान में और शुक्ल ध्यान में पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ पूर्वक। खोटे परिणाम अपने आप आ जाते हैं। दृष्टांत बोलो, जैसे गंदगी अपने आप हो जाती है, गंदगी करने के लिए, कपड़े गंदे करने के लिए कुछ अलग से उपाय करना पड़ेगा, गालियां सीखने के लिए कोई स्कूल चाहिए,
सीख बिना नर सीख रहे विसना दीक्षोगन। धर्म कार्यों से बचने की बातें सीखने के लिए वे तो वैसे ही मोह के संस्कार अनाधिकार के, धर्म कार्य में लगे कैसे, हमारा लग कैसे जाए, ये सोच। चाहे वो तन हो, चाहे धन हो, चाहे समय हो, चाहे शक्ति हो, चाहे बुद्धि हो, मुख्य इनमें बुद्धि। वह धर्म ध्यान अभी एक चर्चा चल रही थी, चौथे गुण स्थान से होता है, करणान योग की विवक्षा यही है। लेकिन धर्म ध्यान पूर्व चर्चा से व्यवहार पहले ध्यान रखना, इस चरणान योग की विवक्षा को भी समझना चाहिए। धर्म ध्यान का मतलब धर्म रूप ध्यान, धर्म रूप ध्यान। जो ध्यान, ध्यान का अर्थ कर देना वहां एकाग्र परिणति, एकाग्र उपयोग, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ऐसी एकाग्रता जिसमें कोई दूसरी चिंता ही नहीं है, दूसरा कोई चिंता ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है, कोई स्वाहता ही नहीं है। ये अर्थ को भी ध्यान कहा है। ध्यान क्यों कहा? कोई बहुत दुखी हो इष्ट के वियोग में और उसे कहो रोटी खा लो, तो उसको तुम्हें रोटी की पड़ी है, मैंने उस रोटी की चिंता नहीं है, स्वास्थ्य की बिगड़ रहा चिंता नहीं, दुकान की चिंता नहीं, घर की चिंता नहीं, और किसी काम की चिंता नहीं, तुम्हारा क्या होगा इन परिणामों का फल, वो चिंता नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, बिल्कुल उसमें तन्मय हो रहा है। हर ध्यान का ये स्वरूप है। इससे क्या होगा, ये कोई सोचे ही नहीं। आर्तरो ध्यान अज्ञानमय भाव है, आर्तरो ध्यान अज्ञानमय भाव है, इनमें स्वपर का भी ज्ञान नहीं है, हे उपाधि का भी ज्ञान नहीं है, सुख दुख का भी ज्ञान नहीं है, कारण कार्य का भी ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं। अनिष्ट का संयोग जी कैसे हटे, जी कैसे हटे, जी कैसे, दूसरी कोई चिंता ही नहीं है, दूसरा कोई सोचा ही नहीं है, दूसरी कोई बात ही नहीं है, रोग की काल में वेदना, यही तो आर्थ ध्यान है, रोग जनित पीड़ा जनित, उसमें कितना जीव दुखी होता है, उसको और दूसरी बात सुहाती नहीं। ऐसे ही कोई वस्तु देखे उसको प्राप्त करने की लालसा हो जाए, निदान हो, उसी में लग जाता है, इसलिए इसको ध्यान शब्द दिया। बाकी ये दुर्ध्यान है, को ध्यान है, दुर्ध्यान है अथवा को ध्यान है, आर ध्यान ऐसे ही रौद्र ध्यान, किसी को हैरान करके आनंद मानना है, ये तुम्हारा खोटा ध्यान है। आप भी उसके फल से हैरान होगे, दूसरे जीवों की हिंसा में, और दूसरे जीवों की हिंसा उपचार से कही जाती है, वास्तव में अपनी हिंसा तो उस समय होती है, जैसे अंगारा स्वयं तो जलता ही है, अब जहां अंगारा फेंके और वो अड़ जाए तो वो तो बच जाएगा, लेकिन अंगारा तो जल, दूसरों का घात करने का परिणाम करने वाला जीव
उन परिणाम से अपना तो घात करता ही है, सामने वाले का उदय प्रतिकूल हो, उसका कोई आयुकाल पूरा हो रहा हो तो उसका घात हो, नहीं तो नहीं हो। दूसरे का नुकसान करना चाहे उसका नुकसान हो ना हो कोई गारंटी नहीं, उसका उस समय का अगर उस उदय हो तो नुकसान होगा, नहीं तो नहीं होगा, लेकिन अपना तो नुकसान है। ये कथाएं एक कथन किया था, स्वयं के लिए दुख का कारण है, दूसरे के लिए दुख का निमित्त है। अब हम इसमें दूसरों के लिए एक अर्थ पूछ रहे, जो स्वयं अपनी कथाएं से दुखी हो उसके दुख में निमित्त है। ये अपना क्रोध अपने लिए दुख का कारण है, दूसरे के लिए निमित्त है दुख का, तो किसके लिए दुख का निमित्त है? क्या कमंट का क्रोध पार्श्वनाथ के लिए दुख का निमित्त हुआ? निमित्त का अर्थ मतलब अकिंचित कर, ये समझ लेना, माने वो तुम्हारा क्रोध सामने वाले को जबरन दुखी नहीं कर देगा, तुम्हारी विपरीत वचन मर्मछेदी वचन भी सात जनों को किंचित मात्र खेद उत्पन्न नहीं करते। श्रीपाल जी मुस्कुराते ही रहे, और ये भानों का बेटा है और फलाना है, और पूरा नाटक उसने कर दिया। धवल सेठ ने कैसा जाल फैलाया, पूरा नाटक किया, और उनको कुछ नहीं, जी क्या कह रहे। इसलिए राग द्वेष रूप कथा या खोटे वचन कहना तो पाप है ही, सुनना भी पाप है। राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनिए, इसलिए निमित्त किसके लिए वो निमित्त होगा, किसके लिए? जो स्वयं अपनी कसाई से दुखी हो उसके लिए। यदि सामने वाला वीतरागी है या तत्संबंधी उसकी कसाय मंद है तो वो उसको कुछ नहीं कर पाए, वो निमित्त भी नहीं होगा। यदि जीव और पुद्गल के चलने में धर्म द्रव्य निमित्त है, लेकिन कौन से जीव और पुद्गल के चलने में? जो स्वयं चले, और स्वयं न चले तो धर्म द्रव्य जबरन नहीं चला देगा। अधर्म द्रव्य रुकने में निमित्त है, लेकिन स्वयं रुके उसके रुकने में निमित्त है। ऐसे स्वयं दुखी हो उसको दुखी होने में निमित्त है। अब स्वयं दुखी कैसे होगा? कि अपने अज्ञान से। तो संसार के कारण में संसार शब्द तुमको ऐसा लगता है जैसे कछु और हो, इसलिए संसार का अर्थ किया करो हमेशा दुख के कारण। ये अर्थ और ध्यान दुख का कारण है। लौकिक में देखो, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, चाहे कुछ खाते हैं फिर बीमार होकर के कैसे रोते हैं बता। उल्टी सीधी चीजें बाजार में बिकने वाली, चाहे चाहे कहीं भाई देखा देख बार के वे खाई और मजा आ गया, अच्छी है वो तो, अब फिर बीमार होते फिर कैसे होते? देखो संसार का कारण तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ और हो, धोखा कारण है। बच्ची की भाषा में ये समझ में आ जाना चाहिए, ये बीमारी का कारण है, ये धोखा कारण है। स्वाद स्वाद में ज्यादा खा लिया फिर दर्द हुआ तो बताओ किसका कारण हुआ? ये ऐसे समझना चाहिए। तो स्वाद आया वो रौद्र ध्यान, स्वाद में आनंद माना तब रौद्र ध्यान, और ज्यादा खा करके पीड़ा से फिर आर ध्यान। अभी रौद्र ध्यान करेगा फिर आर ध्यान करेगा, परिग्रह में आनंद मानने वाला नरक में फिर क्या होता है? मायाचारी करके आनंद मानने वाला त्रियंत गति में क्या होता है बता। ये थोड़े स्थूल दृष्टांत हैं शास्त्र के, लेकिन आपको अपने जीवन में वर्तमान जीवन में इनको जोड़ लेना चाहिए, इसलिए जिससे हमारे वर्तमान परिणाम में उन आर्त रौद्र ध्यानों से भयभीत होना आ जाए।
प्रमाद ही दुख का कारण है और प्रमाद में आनंद मानना फिर क्या पूछना। क्योंकि जो जीव जिसमें आनंद मानता है उसको तो छोड़ भी नहीं पाएगा ना। वो तो फिर करेगा उसमें। इसीलिए रागाद प्रकट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, इसमें चार बातें बताई थी आपको। चार बातें बताई थी, रागादि ये आश्रव भूल नहीं है, ये रागादि भाव आश्रव है। प्रकट दुख देन ये उसका फल है। तिन्हीं को सेवत ये दोष है, ये कमजोरी है, चारित्र का दोष है। और गिनत चैन ये भूल है, ये श्रद्धा का दोष है। माने रागादि भाव आश्रव, ये आश्रव की परिभाषा हो गई स्वरूप। रागादिक भाव ही तो आश्रव है। सांप्रदायिक आश्रव की प्रधानता से समझ लेना चाहिए यहां, दुखरूप आश्रव की अपेक्षा। बाद बाकी कायवांग मने कर्म योग है, ये जो आश्रव कहा सा आश्रव है, ये कर्णान योग की प्रधानता समझना। यहां आश्रव में कर्म का आना है, योग और प्रकृति वन प्रदेश वन वो कुछ नहीं दिया, उसकी विवक्षा नहीं दी। लेकिन जो आश्रव दुख का कारण है वहां मुख्य रूप से तो विचार करना चाहिए। रागादिक भाव आश्रव है और प्रकट दुखदायी है ये, देख लो। जहां राग होगा वहां दुख होगा, चाहे प्रशस्त क्यों ना हो, आकुलता होगी जहां राग होगा। बहुत लोग ऐसे प्रकार के होते हैं, भैया तुम बहुत परेशान होते हो, वो आदत पड़ जाती है। आदत और अपन की आदत कैसी हो जाती, अपन को क्या करने, जैर जिम्मेदारी की आदत हो जाती तो अब वो बेचारा कुछ नहीं होने, कुछ नहीं। तुलसीदास ने एक लाइन लिख दी, सबसे भले मूड जिन्होंने व्यापे जगत कर, सबसे भले मूड जिन्होंने व्यापे जगत कर, उन्हें कोई मतलब ही नहीं कहा उसे कहूं कछू। लेकिन हमने स्यादवा से इस ज्ञान का जब अर्थ किया, स्यादवा से वे मूड भी भले हैं जो जगत से प्रभावित नहीं होते, वे मूड भी भले हैं जिन्हें जो जगत से प्रभावित नहीं होते। ये पढ़े लिखे का काम के जो जरा जरा कर्तव्य का लक्ष्य कर करके दुखी होते रहते हैं। स्यादवास से हमने जब विचार किया, हमने कहा देखो क्या लिखा है, नहीं तो मूड भले हो सकते हैं, हम पूछते हैं। तुम पढ़ लिख करके अपने को ज्ञानी मान रहे हो और फिर जरा जरा सी बातों से प्रभावित होकर के दुखी होते हो। जड़ से झड़े क्षण तुष्टा क्षण रुष्टा, जड़ में आनंद मानने लगते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और जरा से में भी मर गए, बेकार सब बेकार। इस प्रकार की जो क्षण तुष्टा क्षण रुष्टा की जो प्रवृत्ति है, तुम्हारा ज्ञानाभ्यास भी क्या काम का, उससे तो मूड भले हैं। ये कहना का तात्पर्य तुझे जगाने के लिए, और नहीं तो मूर्ता कभी भली नहीं होती। मूर्ता मूड भले हैं जिन्हें न व्यापे मूड, जिन्हें न व्यापे जगत गति, जो अपने में ऐसे मगन हैं जगत की गति व्याप्ति नहीं है, माने जगत की गति में व्याप्ते नहीं है, अर्थात जगत से प्रभावित नहीं होते, वे भले हैं। उनको मूल जीव मूल कह देते हैं, मूल जीव मूल कहते हैं। हम जानते हैं मौन जासे रह लो, सात से मुंडाजों को मौन लेने की आज्ञा हो गई थी, और राजा और मंत्री पहुंचे तो उन्हें कहा देखो विवाद मत करना, सब मौन रहना। अब मंत्री क्या कह रहा, महाराज क्या बोलेंगे, कछु आत हो तो बोले, कछु आत हो तो बोले, कछु आत तो है नहीं, मूड है।
अरे रे प्रभु, ऐसी मूर्ता भी भरी। ऐसी मूर्ता भी भली, और जो ये चतुराई भी बुरी जो विषयों में तुम्हें ले जाती है, जो धर्म ज्ञान से दूर करती है। जो धर्म ध्यान से दूर करती है, देवगुरु धर्म शास्त्र से दूर करती है, वह चतुराई भी बुरी है। जैसे वह चक्रवर्ती की संपदा, वो परिग्रह, वह बहुत प्रकार की सामग्री भी बुरी है जो हमें धर्म ध्यान से दूर करती है। वह दरिद्रता भी भली है जो पल पल नाम रटाती है। बच्चों तुम्हें याद है, बोलो, सुके माथे सिल परे नाम हिये ते जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रचाए। हम तो आपको कहा था पुण्य के उदय में क्या होता है भगवान, क्या होता है धर्म कर्म, क्या होता है, कुछ नहीं होता। पुण्य के उदय में किसी को कुछ नहीं समझने वाला जी पाप उदय की एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाता। हे भगवान, समझ में आ गई क्या भगवान क्या होता है? अब क्यों भगवान निकला? हे भगवान, वो स्त्री मरने का ही कुआ पे खड़ी हो, हे भगवान, पहले पहचान पहले भगवान को। भगवान के नाम पर मरने वाली है? हे परिणति, उस स्त्री को नहीं संबोधन करना, अपने को संबोधन करना है। परिणति, भगवान ने मरण के अभाव का उपाय बताया। दुख से छूटने के लिए मरने की कोई जरूरत नहीं है, मोह को जीतने की जरूरत है, कसाय को जीतने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है कहां जाए, कहीं मत जाओ, जहां हो वहीं सिद्धत्व की स्थापना कर लो। कहीं मत जाओ, क्या करें कुछ भी मत करो। मां चिट्ठ है, मां जंप है, मां चिंता है। कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी बोलो मत, और कुछ भी सोचो मत। तुम कुछ सोचो ही मत, तुम तो आराम से दवा करो। कुछ मत सोचो, कोई चिंता मत करो। कहा सोच रहे, कुछ मत सोचो, तुम तो हम कह रहे सो कर लो, कर लो। कुछ मत सोचो, दीर्घ सूत्री विनश्य से ज्यादा सोचता है वो ना उसको प्राप्त होता है। ज्यादा मत सोचो, और विशेष रूप से निगेटिव। हम आपसे पूछते हैं धर्माराधन के क्षेत्र में आप निगेटिव जितने सोचते हो उस क्षेत्र, उसमें धर्म के मार्ग में आने वाले परिसरों को जीत सोचोगे, आपत्ति विपत्तियों को सोचोगे, कोई सहायक नहीं है ये सोचोगे, लेकिन क्या संसार मार्ग के भी निगेटिव सोचे हैं तुमने? फिर बुढ़ापे में क्या हुए, फिर को सेवा करे, फिर को पूछे, बीमार हुए तो क्या करेंगे? खड़े हो जाओ, देख करके गारंटी दो हमें कि ग्रस्त अवस्था में ये सब नहीं होगा। विचार करो, ग्रस्त अवस्था में भी कौन कौन विचार करो। अगर चंदन वाला पर उपसर्ग आए हैं और अनंतमती पर भी आए हैं, तो सीता पर भी आए हैं और अंजना पर भी आए। सीता और अंजना पर भी तो उपसर्ग आए हैं। कहे भाई तो ग्रस्त थी, उन पर नहीं आना चाहिए था। सीता और अंजना पर भी तो उपसर्ग आए। अरे पाप के उपसर्ग तो सब जगह आई, पाप से ज्यादा प्रतिकूलता धर्म मार्ग में तो आने वाली है नहीं। क्यों? एक हेतु बताना बहुत सुंदर, बस इतना ही कहेंगे। क्योंकि धर्म ध्यान करते हुए जीव के पाप का उत्कर्षण नहीं होता, नए पाप का बंद नहीं होता, यहां पाप बढ़ते नहीं। और तुम्हारे संसार मार्ग में तो पाप बढ़ते हैं, इसलिए जितने यहां बंधे हुए हैं वे सवाय होके आएंगे। वहां तो बढ़ते हैं ना,
इतना सोचेंगे इतना सोचेंगे इतना सोचेंगे निगेटिव खत्म हो जाएगा। कोई दान का प्रसंग है, का हो बाकू का सदुपयोग हो बाकू का हो फिर कैसे हो को चलातो है को सुनते है को करते है इतना सोचेंगे चलो छोड़ो। और घर गृहस्थी के कामों में विषय कसाय के कामों में सोचो ना का हुए का नहीं हुए। विचार तो करो, विचार तो करो। जिस मार्ग में पग पग पर प्रचुर स्वसंवेदन है उस मार्ग में तो डर लगता है, तमाम सोच रहे उल्टी सीधी। और जिस मार्ग में पग पग पर कसाय के प्रसंग माने दुख के प्रसंग है वहां सोच रहे हैं, फिर अपने आराम से। अच्छा एक दृष्टांत बता तुम पुराण में से कहीं से ढूंढान करके है, तुम लोगों ने बहुत पढ़ा हम तो बहुत थोड़े पढ़े। सच्ची बात है हंसते क्यों, तुमने शास्त्री करी हमने कौन प्रवेश क्यों करी, हंसते क्यों बताओ। एक बात तुम ढूंढ करके बताना, दो ही जने मिलकर कहूं मोक्ष गए हो, दो ही मिलके मोक्ष गए हो बता। ऐसी कल्पना करता है फिर अपने आराम से दो ही मिलकर धर्म ध्यान करेंगे। धर्म ध्यान के लिए दो मिलने की जरूरत नहीं है, दो का भेद ज्ञान करने की जरूरत है। धर्म ध्यान का आधार, अरे भाई सपने में कोई सपना देखा और भग गया, गिर पड़ा और उठ के खड़ा हुआ, चोट लग गई। अब सपना तो चला गया, वो चोट तो बच गई। दो सुखी, दो मिलकर के सुखी होने की कल्पना करते हो आराम से धर्म ध्यान करते हो, वो सपना तो चला जाएगा बता, वो सपना तो चला जाएगा। फिर सवरे सवरी चौकड़ी भूल जाएंगे। गांव के लोग कह देते ना, भूल गए राग रंग भूल गए चकड़ी, तीन बातें याद रही नोन तेल लकड़ी, माने फिर बस वही बातें याद रही, आज ये है आज वो है। आज तुम अकेले बीमार होने से डर रहे हो और फिर घर गृहस्थी में तो बीमारी बीमार कहूं ये बीमार कहूं वे बीमार कहूं अपन बीमार कहूं वे बीमार कहूं, वहां जाने उनकी तबीयत खराब होगी देखो जाने। सोचो गृहस्थी माने दो नहीं है अनंत है, संबंध कितने जुड़ते हैं, व्यवहार कितना जुड़ता है, राग का विस्तार कितना होता है। भाव भाई वीरता के कारण इस परिग्रह विस्तार को अब तो छोड़ो, उस विस्तार का कहीं अंत नहीं है। कहां अंत है, जहां से शुरुआत हुई उससे उल्टे हो जा वही अंत है और कुछ नहीं है। पीठ कर लो बस यही अंत है, सबसे बड़ा झूठ है संसार में सुख। संसार में सुख है इससे बड़ा झूठ विश्व में नहीं है। लौकिक कार्यों में हम कैसे मैंने आर ध्यान रोध ध्यान, पंडित जी कहते थे धनराज जी एक बार बहुत कहते हैं ये जीव को पाप हो जाते ऐसा नहीं, योजनाबद्ध प्लानिंग से पाप करता है, पाप की पूरी पूरी योजना बनाता है। पढ़ लिख लेंगे फिर व्यापार कर लेंगे या नौकरी कर लेंगे, फिर ब्याह कर लेंगे, फिर बाल बच्चे हो जाएंगे, फिर फलाना करेंगे, फिर उनको ऐसे करेंगे, फिर वहां करेंगे, फिर वहां एक कोठी लेंगे, फिर वहां वह बंगला लेंगे, फिर वो ये करेंगे, मैंने योजना वाले पाप करता। भोजन की योजना बनाते कि नहीं बता, जो मिल जाता सो तो नहीं खा पी लेते। घर गृहस्थी में रह करके कल ये बनाएंगे, ये संज्ञा को बनाए, शाम को ये बनाएंगे, उसके संग में ये अच्छा रहेगा, उसके संग में ये अच्छा रहेगा, इसके संग में ये स्वाद बनेगा, बोलो योजना बना करके करते हो कि वैसे ही कर लेते। ऐसी तो कोई बाई मुश्किल है, रसोई में घुसी उसने अपने उठाया और बना दिया चाय, कुछ बना भी नहीं सकते। अभी खिचड़ी बनानी है कि दलिया बनाना है कि पूड़ी बनानी है कि रोटी बनानी है, कुछ सोचना तो पड़ेगा और उसी हिसाब से पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि नहीं बननी पड़ेगी। ऐसा तो कोई व्यापारी नहीं होता जाकर के चुपचाप बैठ गया,
कौन सा धंधा करना, कैसे करना, क्या करना क्या नहीं करना, मैंने पूरी एक प्लानिंग करता है कि नहीं। जब अन्यत्र सर्वत्र प्लानिंग करता है, उनकी निगेटिव बिचारता है, उनके निगेटिव सोचता है कभी, उनके निगेटिव सोच तब पता पड़ जा। हमने तो आपको कहा था, हमारे आचार्यों ने मुनि मार्ग में 22 परिचय लिखे, ग्रस्त के परिचय कहीं नहीं लिखे। हमने खूब देखा, अब तुम्हें पता हो, हमें नहीं मालूम, देख लेंगे। ग्रस्त मार्ग के परिचय लिखे ही नहीं, कितने लिखे, कितने लिखे आखिर। ग्रस्त मार्ग में परिचय परिचय तो हमें उपसर्ग उपसर्ग, यहां तो परिचय की गिनती तो गए इतने। सच्ची बात है ये। तो आर ध्यान, रौद्र ध्यान संसार के कारण है, नहीं नहीं दुख के कारण ये समझना, क्यों संसार दुख रूप है, और जो दुख का कारण होता है वह वर्तमान में दुख रूप होता है। जो दुख रूप नहीं होगा वह दुख का कारण भी नहीं होगा। जैसे साम्य भाव, साम्य भाव, वितराग भाव, बोलो दुख का कारण के नहीं, क्यों के दुख रूप नहीं। समयसार जी में हेतु दिया है अमृतचंद स्वामी ने, ज्ञान मुक्ति का कारण है, क्यों कलश पढ़ो, ज्ञान मुक्ति का कारण है, क्यों कि ज्ञान मुक्त स्वरूप है, ज्ञान का संबंध किसी से नहीं है, संबंध तो मोह जोड़ रहा है, राग जोड़ रहा है, द्वेष जोड़ रहा है, ये बैरी ज्ञान थोड़ी, ज्ञान से पूछो बैरी है कैसे वो है, ये गुस्सा कह रही, द्वेष कह रहा है। जितने भी संबंध हैं ये मोह राग द्वेष के संबंध हैं, ज्ञान से संबंध देखो। यदि ज्ञान दृष्टि से देखो तो पर से कुछ भी संबंध नहीं, स्वस्वामी संबंध दो में होता है, हाँ गर्दन अलारे दो में होता है। फिर जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं तो फिर गर्दन क्यों बुला रहे, स्वस्वामी संबंध एक में, कर्ता कर्म संबंध, भोक्ता भोग संबंध, बोलो व्यापक संबंध, बोलो संबंध दो में क्या होता है। दो में संबंध जितने भी कहे जाते हैं वो सब व्यवहार रहता है और वो अवतार है। परमार्थ दृष्टि से देखो, परमार्थ सुख की प्राप्ति के लिए परमार्थ दृष्टि चाहिए। व्यवहार दृष्टि से परमार्थ सुख नहीं मिलेगा, तो दो में कोई संबंध हो सकता है? अरे नास्ति सर्वोप संबंध परद्रव्यात्म तत्वयो, इसी के आसपास में कोई कलश है, बोलना कलश तो नहीं सुना पाओगे, भाव सुनाना। परद्रव्यों के साथ जो संबंध कहा जाता है वह व्यवहार में से ही कहा जाता है, जाकर के देख लेना सर्वशुद्धि अधिकार। परद्रव्यों के साथ जो संबंध कहा जाता है ये व्यवहार में से ही कहा जाता है, ये हमारे गुरु हैं, हम इनके शिष्य हैं, ये व्यवहार में ऐसे ही कहा जाता है। परमार्थ से देखो तो आत्मा का गुरु आत्मा, ये हमारा घर है, व्यवहार में ऐसे ही कहा जाता है। परमार्थ से देखो कौन को घर, तुम जैसे कितने पागल हो गए चले गए, हाँ घर घर कहती कहती घर से निकल गए। विचार करो है? हमारा लड़ लड़ के मर गए, हमारी चीज, हमारी वस्तु, हमारी वस्तु, सीट पर लड़ने लगते हैं यात्रा करते हुए, हमारी सीट, हमारी सीट, तुम्हारी सीट है उठा लाओगे, हमारी बस, हमारी गाड़ी। अरे ये सारे व्यवहार नए के कथन उनका प्रयोजन है। क्या हमारी गाड़ी ये कहना सर्वथा सत्यार्थ है?
जिसमें एक 20 रुपया की टिकट लेकर के यात्रा करने बैठ रहे हैं, उस गाड़ी को हमारी गाड़ी। प्रयोजन परक कथन है, सर्वथा झूठ नहीं है, लेकिन बिल्कुल झूठ ही है अगर कोई मालिक बनने बैठे। और सुन, अगर हम व्यवहार से ही कहें तो मालिक बनेगा तो मालिक सीट होती ही नहीं। मालिक सीट किसी गाड़ी में नहीं होती, कहीं नहीं होती मालिक सीट। मालिक तो वही है जो सबके लिए तैयार है। आजा, तीन लोग का मालिक स्वामी कौन होता है? जो परमाणु मात्र का स्वामी नहीं मानता, जो परमाणु मात्र का स्वामी तो नहीं मानता, वही तो तीन लोग का स्वामी होता है। तुम तीन भवन के स्वामी कौन? वितरागी के रागी फिर? जितना भी परद्रव्य के साथ संबंध का कथन है, चाहे वो कर्ता कर्म का कथन हो, चाहे भोक्ता भोग का कथन हो, चाहे बद्ध घातक का कथन हो, चाहे गुरु शिष्य का कथन हो, चाहे स्वस्वामी का संबंध हो, चाहे आधा राधे का हो, सारे के सारे कथन व्यवहार है। परमार्थी देखा जाए तो क्या संबंध है बोलो? इसलिए संबंध जोड़ोगे तो परमार्थिक सुख नहीं मिलेगा। परमार्थ सुख का घात करने वाली है ये संबंध बुद्धि। पर से सुख की कल्पना कैसे हो सकती है? विचार करो, ये आर्तरो ध्यान अनादिकाल से बिना कराए हो रहे हैं। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान पुरुषार्थ पूर्वक होता है, परमार्थ धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से है, लेकिन जब देव के प्रति भक्ति हो रही है उसको भी धर्म ध्यान ही कहेंगे। गुरु की उपासना हो रही वह भी धर्म ध्यान है। स्वाध्याय करे ये भी धर्म ध्यान है। क्यों भैया? जी वो तो धर्म ध्यान में कर रहे हैं, धर्म ध्यान में लगो अपने, उसको भी धर्म ध्यान कहेंगे। क्यों? जब शुभ भाव को धर्म कहेंगे तो शुभ भाव में ऐसी एकाग्रता चिंता नहीं, जब वो लड़के की बिल्कुल चिंता नहीं और भक्ति में उपयोग लगा तो धनंजय सेठ के उसको ध्यान को क्या कहोगे बोलो? व्यवहार में ऐसे धर्म ध्यान ही कहेंगे उसे। रोज ध्यान कहोगे क्या? आर ध्यान कहोगे? जब आर ध्यान नहीं कहोगे, रोज ध्यान कहोगे तो शुक्ल ध्यान कहोगे, तो फिर क्या कहोगे बोलो? आखिर मित्र के मित्र को मित्र ही कहेंगे और क्या कहेंगे बोलो? तू नए विभाग नहीं जानता। अनंत चतुष्टय रूप परिणत आत्मा को ही अरहंत कहते हैं। ये बात है, परमार्थ से है, परमार्थ का व्यवहार है, लेकिन शरीर आश्रित कथन भी होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? उनको भी भली प्रकार से समझ लेना चाहिए। और नहीं तो महावीर जयंती के दिन कैसे कहोगे आज भगवान महावीर का जन्म हुआ, सिद्धालय से आके जन्म लो, और पलने में जिन्हें बैठा दिया है वे भगवान महावीर आए? और कहोगे जय महावीर पधारे, महावीर आए हैं? विचार करो, व्यवहार न संसार में व्यवहार चलेगा और मोक्ष मार्ग में भी व्यवहार चलेगा। साधक दशा में व्यवहार चलेगा, संग में सिद्ध व्यवहार अतीत, अशुद्ध निश्चय अशुद्ध व्यवहार, शुद्ध निश्चय शुद्ध व्यवहार, शुद्धा शुद्ध मिश्र निश्चय मिश्र व्यवहार, सिद्ध भगवान व्यवहार अतीत। विचारना, जहां से हमें आत्मा आराधना करने का लक्ष्य बन गया, धर्म ध्यान समझ लो शुरू हो गया। अब वो ग्रंथि भेद होगी तब वो करना नियोग कहेगा अभी नहीं, रुक जा। चरणानियोग से भी धर्म ध्यान कहेगा, चरणानियोग देव सास गुरु के श्रद्धान को भक्ति को उसको भी समर्थ कहेगा। अरे देव सास गुरु की बातें बहुत दूर है, आरम तारम कचुन ज्ञानम सेठ वचन प्रमाणम समर्थ का अंग कह दिया। अंजन ऐसे ही सम्यक हो जाए तो फिर कहा नहीं है? तू कैसा पागल है? जिंदत से झूठ बोलेगा
ला मुझे दे मंत्र, मैं सिद्ध करता हूं। शंका नहीं करना चाहिए धर्मात्मा के वचनों में, मैं करता हूं। खड़ा हुआ, अब वो भूल गया बेचारा। तो बस आरम तारम कचन जानम सेठ वचन प्रमाणम, एक एक करके कहा, एक शंका दी। बोलो आकाशगामिनी विद्या से धोई कि नहीं हुई? ऐसे तत्वों के नाम भी नहीं जानता और भाव वासना के बल से सम्यक्त प्राप्त करता है। विचार करो, अंजन चोर उस समय सम्यक तो नहीं हुआ, लेकिन उसे भी उस समय भी सम्यक क्यों कह देंगे? राजा के पुत्र को भी राजा कहेंगे, राजा के पुत्र को भी राजा कहेंगे, क्या कहेंगे? राजा के पुत्र नहीं था, पुत्र हुआ। हाँ, आज राजा का जन्म हो गया, राजा आ गया, हमारा राजा आ गया जी कह रहे। जबकि पुत्र बड़ा होगा, कब राजा बनेगा, कितना समय लगेगा, अभी का खेल खिलौना है, विचार तो करो। पूर्वचर व्यवहार, उत्तरचर व्यवहार, सहचर व्यवहार, अनेक प्रकार के व्यवहार होते हैं। ओम नमः।